अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में आप सभी को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत डेटा टाइप के अंतर्गत बताएंगे टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट को हम कॉलम में कैसे कर सकते हैं, रिमूव डुप्लीकेट अगर हमारे सेल में एक से अधिक वैल्यू है, ठीक, एक से अधिक जो है डेटा जो है रिपीट हुए हैं तो हम उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन आपको बताएंगे, साथ ही साथ हम कंसोलिडेट मतलब कई सारे अलग अलग डेटा को एक साथ जो है इकट्ठा करना या जोड़ना जो है हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। यहां पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है और साथ ही साथ डुप्लीकेट टेक्स्ट टू कॉलम आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम के नाम से पहले से ही शीट बना के रखा है जहां पे हम आपको टेक्स्ट टू कॉलम समझाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आशुतोष कुमार लिखा है, एक ही सेल में है, ये जो आशुतोष कुमार है ये एक सेल में है, भले ही आपको दूसरे सेल में दिख रहा होगा लेकिन है एक ही सेल में। तो आशुतोष और कुमार के बीच में स्पेस लगा है, आशुतोष और कुमार के बीच में क्या लगा है, स्पेस लगा है। इसी तरह ध्रुव कुमार पांडे है जिसमें यहाँ पे कामा लगा है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ध्रुव और कुमार के बीच में कामा लगा है, फिर ऐसे कुमार के बाद में भी कामा लगा है। इसी तरह यहाँ पे उमेश और कुमार लिखा है तो यहाँ पे हमने सेमी कॉलन यूज किया, ठीक, और वैसे अगर आप देखें तो स्पेस ही है लगभग, लेकिन यहाँ पे हमने पुनः जो है कामा यूज किया है। हम चाहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है जहां जहां स्पेस है स्पेस के अनुसार भी जो है वो अलग अलग कॉलम में कर दे, जैसे आशुतोष है तो आशुतोष एक सेल में हो और जो हमारा कुमार है वो बी में हो जाए, ए में आशुतोष हो और बी में कुमार हो जाए। इसी तरह ध्रुव कुमार पांडे है तो ये ए बी सी तीन अलग अलग जो है कॉलम में हो जाए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम। तो हम क्या करते हैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक, मतलब इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले कॉलम में ही है, ए कॉलम में है तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम चलेंगे यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये तीन स्टेप में जो है पूरा होगा, ठीक। अभी जो हमारा नाम दिख रहा है वो वैसे ही दिख रहा है जैसा कि वहां पे लिखा है, ठीक, यहाँ पे अलग अलग कॉलम में नहीं है। हम क्या करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अभी भी वैसे है, यहाँ पे ऑलरेडी टैब सेलेक्ट है तो टैब को आप हटा सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आपने टैब यूज किया होता, अगर यहाँ पे टैब यूज किया होता तो आप जो है यहाँ पे टैब लेते, लेकिन हमने वहां पे टैब तो यूज ही नहीं किया है, हमने स्पेस यूज किया है, हमने कोलन सेमी कोलन यूज किया है, हमने जो है कामा यूज किया है, तो हम यहाँ पे लेंगे सेमी कोलन। जैसे ही सेमी कोलन लेते हैं तो सेमी कोलन हमने यहाँ पे उमेश और कुमार के बीच में यूज किया था और यहाँ पे अगर आप देखें तो उमेश और कुमार को अलग जो है यहाँ पे कर दिया गया। इसी तरह हमने कामा लिया है तो हम कामा पे क्लिक करते हैं तो जिन जिन सेल में जो है कामा लगा के टेक्स्ट को लिखा गया था उन उन सेल के जो है टेक्स्ट को यहाँ पे अलग अलग कॉलम में कर दिया गया है, ठीक। यहाँ पे सीमा कनौजिया भी है जिसमें यहाँ पे कामा लगा है तो इसको भी अलग अलग इसमें कर दिया गया है। इसके बाद हमने और क्या यूज किया है, स्पेस यूज किया है तो हम यहाँ पे स्पेस पे टिक करेंगे और स्पेस पे टिक करेंगे तो जितने भी टेक्स्ट में बीच बीच में स्पेस है सबको जो है वो अलग अलग कॉलम में कर देगा, अलग अलग सेल में कर देगा और हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम फिनिश कर देंगे। तो आप देखेंगे यहां पे अब जो है आशुतोष, आशुतोष एक सेल में है, कुमार दूसरे सेल में है, इसी तरह ध्रुव कुमार और पांडे ये अलग अलग सेल में हो गए, अलग अलग कॉलम में हो गए। तो इसी को हम कहते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। क्या कहते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम, मतलब एक ही सेल में आपने लिख दिया है टेक्स्ट को और उसको अब अलग अलग सेल में करना है, अलग अलग कॉलम में करना है तो आप टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करके इसको ऐसे कर सकते। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है रिमूव डुप्लीकेट। तो रिमूव डुप्लीकेट के लिए भी हमने अलग से यहां पे शीट बना रखा है, यहां पे शीट बना रखा और यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे हमने डुप्लीकेट किया भी, जैसे यहां पे आशुतोष कुमार है और यहां भी अगर आप देखें तो आशुतोष कुमार है, इसी तरह ध्रुव कुमार यहां पे है और ध्रुव कुमार यहां पे है, मतलब हम जानबूझकर जो है डेटा को रिपीट कराए हैं। तो अब हम क्या करेंगे रिमूव डुप्लीकेट के लिए, रिमूव डुप्लीकेट पे हम क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक करते हैं ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर ले रहा है हमारे डेटा एरिया को, क्या कर रहा है सेलेक्ट कर रहा है। अब आपको किसके अनुसार डुप्लीकेट ढूंढना है, मतलब आप चाहते हो कि सब में, अगर नेम में भी वो वैल्यू है, ठीक, जैसे नेम में अगर हम देखें तो नेम में यहां भी आशुतोष कुमार है और यहां भी आशुतोष कुमार है, जेंडर में यहां फीमेल लिखा है, उल्टा लिखा है कोई बात नहीं, वो फार्मूला की वजह से हुआ था, उससे कोई मतलब नहीं है, यहां भी फीमेल लिखा है और यहां भी जाएंगे तो यहां भी फीमेल लिखा है, इनका भी बिलज जो है अमाउटी है और इनका भी बिलज अमाउटी है, मतलब अगर देखें तो पूरा का पूरा मैच कर रहा है, पूरा का पूरा मैच कर रहा है। तो इसके अनुसार अगर आप चाहते हो कि सब कुछ अगर मैच कर रहा हो तो उसको डुप्लीकेट माना जाए,
अगर जितनी फील्ड है यहां पे सब अगर मैच कर रहा हो तब तो उसको डुप्लीकेट माना जाएगा। तो आप यहां पे टिक लगा सकते हैं और यहां पे जैसे ही आप यहां पे ओके करेंगे ठीक, तो ये जो है ढूंढकर जो भी डुप्लीकेट होगा उसको क्या करेगा, डिलीट कर देगा। क्या करेगा? डिलीट कर देगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोल जेड से अंडू करते हैं, यहां पे हम चेंज कर देते हैं, यहां पे हम अब इसके बाद हम पुनः यही चीज हम फिर से करेंगे, यहां पे चलेंगे और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, यहां पे एक्सपेंड द सिलेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए पुनः जो है सब कुछ सिलेक्ट है, हम ओके करते हैं ठीक। अब ओके किया तो यहां पे अब इसको केवल 5 ही वैल्यू मिला डुप्लीकेट, क्यों? क्योंकि यहां पे हमने कुछ चेंज कर दिया था ठीक, तो इसके अनुसार उसको 5 वैल्यू मिला है। तो आप किसके अनुसार करना चाहते हैं वो आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। केवल एक ही सेल को अगर आप ले रहे, मान लो ये सब छोड़ दीजिए, आप चाहते हैं कि देखो अभी यहां पे अलग अलग तो है लेकिन हम यहां नाम वाला केवल ले लेंगे ठीक। तो यहां पे हम रिमूव डुप्लीकेट पे जाएंगे, हम पहले तो इसको अनसेलेक्ट कर देंगे, सारा टिक हट जाएगा, हम नेम के अनुसार कर रहे हैं ठीक। अगर नेम जो है दोबारा रिपीट हुआ है तो उसको हम डुप्लीकेट मानेंगे, हम ओके करेंगे। तो इसके अनुसार भले ही वहां पे मेल हो गया था लेकिन हमने नेम दिया है तो नेम जैसे रिपीट होगा उसके आगे इधर वाले में चाहे जो भी डेटा हो वो डुप्लीकेट ही माना जाएगा। और इसने इस तरह से 11 जो है यूनिक वैल्यू जो है फाउंड किया है। समझ में आ गया? इसके बाद अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं आगे हमारा है डेटा वैलिडेशन। क्या है? डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन के लिए भी हमने अलग से यहां पे शीट बनाया है ठीक, और यहां पे हमने नेम लिखा है, जेंडर लिया है, कैटेगरी एज, मोबाइल, आधार नंबर, ऐसे हमने कुछ फील्ड को लिया है। तो चलिए यहां पे पहले हम कुछ नाम लिख लें, और नाम लिखे क्या यहीं से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहां पे देखिए हम यहां पे डेटा वैलिडेशन लगाएंगे, यहां पे क्या लगाएंगे, डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। हम चाहते हैं यहां पे क्या हो, जेंडर में मेल और फीमेल के अलावा और कुछ इसमें कोई ना लिख पाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पे वैलिडेशन लगाएंगे। वैलिडेशन लगाने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, चलिए हम यहां पर लिख लेते हैं मेल और यहां पर लिख लेते हैं फीमेल। अब कितने एरिया में आपको वैलिडेशन लगाना है वो एरिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसने में हमको वैलिडेशन लगाना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहां पे डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे क्या आपको लगाना है वैलिडेशन के रूप में, तो वैलिडेशन के रूप में हम यहां पे पहले जो है जेंडर के लिए लिस्ट बनाना चाहेंगे। क्या बनाना चाहेंगे? लिस्ट बनाना चाहेंगे, और लिस्ट के लिए सोर्स पूछ रहा है तो यहां पे हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद हमने हम क्या करते हैं माउस से यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद ओके कर देते हैं। अब यहां पे वैलिडेशन लग गया है, यहां पे वैलिडेशन लग गया है। हम अगर यहां पे देखें, क्लिक करते हैं तो यहां पे मेल आता है ठीक। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैलिडेशन लगा चुके हैं। अब जो भी हमने यहां पे वैलिडेशन लगाया वही हम लिख सकते हैं। अगर हम यहां पे प्रयास करें कुछ दूसरा लिखने का तो यहां पे नहीं लिख जा सकता ठीक। तो ये तो हो गया जेंडर का, ये क्या हो गया, जेंडर का। इसी तरह से आपको कैटेगरी का बनाना है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो इसके लिए भी हम इसे कहीं पे इधर लिख लेंगे। अब हम चलेंगे कहां पे, पुनः जो है डेटा वैलिडेशन पे चलेंगे, यहां पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, यहां पे हम ले लेंगे लिस्ट ठीक। लिस्ट के लिए हम यहां पे सोर्स ले लेंगे,
अब यहां पे एक चीज और, अभी तो हमने वैसे बना दिया था, यहां पे हम चलते हैं इनपुट मैसेज। अगर आप चाहते हो कि इनपुट मैसेज भी आपको कोई दिखाई दे तो यहां पे उसका टाइटल और इनपुट मैसेज में जो कुछ लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो हम चलिए यहां पे इस तरह से एक हम बॉक्स बना ले रहे हैं, ठीक। अब अगर मान लो गलत कोई इंटर करे तो क्या हो, तो यहां पे स्टाफ के लिए आप चाहते हो कि स्टाफ में कोई चीज आए तो यहां पे आप लिख सकते हैं। कुछ भी हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा, लेकिन एक गलती हमसे पहले हो गई है। गलती क्या हुई है, हमने रेंज को सिलेक्ट नहीं किया, हमने रेंज को सिलेक्ट नहीं किया, हमारा यहां पे सिलेक्शन है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे पहले, ठीक। हम चलेंगे यहां पे इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, और हम फिर से यही काम करते हैं। लिस्ट हमने ले लिया, यहां से सोर्स हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर हम इनपुट मैसेज में क्या देना चाहते हैं, एरर मैसेज क्या है स्टाफ के उसमें, तो हम यहां पे लिख देते हैं इनपुट एरर। अब ये सब हम करके ओके कर देते हैं, ठीक। तो यहां पे जो हमने इनपुट मैसेज दिया था कैटेगरी करके सेलेक्ट योर कैटेगरी, तो वो जो है यहां पे आ रहा है, मतलब आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको क्या इसमें करना है। तो यहां पे हम जाके जनरल, ठीक, या जो भी आपको कैटेगरी चूज करना है वो आप यहां से चूज कर सकते हैं। तो हर एक सेल में आपको ऐसे ऐसे दिखाएगा, ठीक है, ये आपका इनपुट मैसेज है, नहीं समझ आ रहा है। चलिए हम एज के लिए यहां पे लगाते हैं, ठीक। तो एज के लिए भी हम क्या करते हैं, यहां पे हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे रेंज को जितने में आपको डेटा वैलिडेशन लगाना है। अब इसके बाद हम चलेंगे डेटा वैलिडेशन पे, यहां पे सेटिंग में जाएंगे, यहां पे हम एज का लगाने जा रहे हैं, तो यहां पे हम ले लेंगे होल नंबर, क्या लेंगे, होल नंबर। और यहां पे आप मान लीजिए मिनिमम एज और मैक्सिमम एज आप चाहते हैं कि इससे जो है कम ना हो और इससे ज्यादा ना हो, तो यहां पे अब आप ले लेंगे बिटवीन का, क्या लेंगे, बिटवीन का। तो मिनिमम आप यहां पे दे दीजिए, मिनिमम हम 18 कर दे रहे हैं, ठीक, और मैक्सिमम मान लो हम 40 कर दे रहे हैं। तो ये हमने यहां पे क्राइटेरिया जो है इसको दिया है। अब इसके बाद इनपुट मैसेज में भी आप सजेस्ट करना चाहते हो तो सजेस्ट वाला यहां पे लिख सकते हो, नहीं चाहते तो इसको छोड़ सकते हो, ठीक। एरर अलर्ट में आप जाइए, अच्छा एरर अलर्ट में स्टाफ अगर करना चाहे तो स्टाफ कर सकते हो, या आप चाहो तो वार्निंग भी कर सकते हो, मतलब वार्निंग में दूसरे तरीके से मैसेज आएगा, तो हम यहां पे वार्निंग कर दे रहे हैं यहां पे। हमने ऐसे कर दिया, ठीक। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पे ओके कर देते हैं। अब यहां पे अगर हम मान लो 10 लिख दे रहे हैं, ठीक, या 10 लिख दिया हमने, इंटर किया,
तो अब यहाँ पे इस तरह से मैसेज आ रहा है, इनपुट ईयर हमने 18 दिया था, हमने जो है वहां पे मैसेज में दिया था एज बिटवीन 18-40। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे 10 आपने लिखा है, अब आपको इसको कंटिन्यू करना है। तो आप चाहते हो नो करना तो नो कर सकते हो, यस करना चाहते हो तो यस कर सकते हो। तो अगर हम नो कर देते हैं ठीक, तो वहां पे फिर से वापस लौटाओगे। आप जबरदस्ती चाहते हो कि नहीं डेटा इसमें इंटर हो ही जाए, तो आपको क्या करना है, हम पुनः जो है करते हैं और यस कर देते हैं। तो यहां पे डेटा ले लेगा क्योंकि हमने वार्निंग का दिया है ना, और वार्निंग के बावजूद भी अगर आप डेटा चाहते हो कि नहीं जो हमने दिया वो इंटर हो, तो वो ले लेगा। लेकिन उसके बाद भी अभी हम आपको दिखाते हैं। अब यहां पे हम मान लीजिए 20 कर देते हैं तो आराम से ले लेगा ठीक। हम 35 कर देंगे, आराम से ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां पे 15 कर दे रहे ठीक, नहीं लेगा। तो इसको भी हम मान लीजिए जबरदस्ती कमांड दे रहे हैं कि नहीं आपको 15 ही करना है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ठीक। हम यहां पे 8 कर रहे हैं, तो यहां भी ये कह रहा है कि नो, मतलब ये आपका सही नहीं है ठीक है। एज बिटवीन 18-40 के बीच में होना चाहिए, आपने 8 लिखा है, तो इसको आपको रखना है, तो आप यस करिए, नहीं रखना है तो नो कर सकते हो। तो हमको रखना है ठीक। हम यहां पे फिर से, तो ये तो हम सही डाल ही रहे हैं। अच्छा, हम ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा, तो यहां भी ये कह रहा है कि एरर है, फिर भी हम कर दे रहे हैं। अब ये हो तो गया ठीक है, आपने क्राइटेरिया लगाया था, डेटा वैलिडेशन लगाया था, उसके बाद भी जो है डेटा एंटर है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि यहां पे क्या क्राइटेरिया लगा था और ये डेटा जो इनपुट है वो सही है कि नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, डेटा वैलिडेशन में अगला ऑप्शन मिलता है सर्किल इनवैलिड डेटा का, मतलब जो भी इनवैलिड डेटा इसमें है उनको आप क्या करो, सर्किल कर दो, गोला बना दो ठीक। तो हम यहाँ पे सर्किल इनवैलिड डेटा पे क्लिक करते हैं, तो ये जो भी डेटा है ये क्या है, ये गलत डेटा है, क्योंकि हमने 18-40 का क्राइटेरिया दिया था जो कि उसके अंदर है या उससे बाहर है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अब ये सर्किल आपका बन गया है, अगर इस सर्किल को आपको हटाना है तो क्लियर वैलिडेशन सर्किल पे क्लिक कर दो, ये जो सर्किल है ये फिर से हट जाएगा। समझ में आएगा नहीं है? तो ये हो गया डेटा वैलिडेशन। ऐसे मान लीजिए मोबाइल नंबर के लिए आप लगाना चाहते हो, क्योंकि मोबाइल नंबर 10 अंक का होता है, आप चाहते हो मोबाइल नंबर जो इंटर होगा वो ना 9 अंक का होगा ना ही 11 अंक का होगा ठीक, आपको केवल 10 अंक चाहिए, तो आप यहां पे भी वैलिडेशन लगा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेल को सिलेक्ट करना होगा। सेल को सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहां पे सेटिंग में जाएंगे, यहां पे आप जाएंगे टेक्स्ट लेंथ लेंगे, क्या लेंगे, टेक्स्ट लेंथ। अब यहां पे टेक्स्ट लेंथ हमने ले लिया है, अब इसमें आपको कितना जो है रखना है, तो बिटवीन रखना है या जो है इक्वल रखना है। बिटवीन चाहते हो टेक्स्ट लेंथ, मतलब जैसे मान लो आप चाहते हो 10-12 अंक में इंटर हो तो आप बिटवीन का यूज कर सकते हो। अगर आप इक्वल टू चाहते हो, बराबर चाहते हो ठीक, तो आप यहां पे इक्वल टू का यूज कर सकते हो, या आप चाहते हो कि ये इतने के बराबर ना हो, मतलब 10 ना हो, इससे या तो कम हो या तो ज्यादा हो, तो नॉट इक्वल टू ले सकते हो, ऐसे अलग अलग दिए हैं। तो हमको क्या है, इक्वल टू रखना है और 10 यहां पर क्या कर देना है, 10 कर देना है, हम ओके कर देते हैं। अच्छा, यहां भी इनपुट मैसेज अगर आप देखना चाहते हैं या एरर मैसेज दिखाना चाहते हैं तो वो आप दिखा सकते हैं, हमने एक में बता दिया है, वैसे आपको लगा लेना है। अब हम ओके कर देते हैं ठीक, या यहां पे हम लगा देते हैं मोबाइल, और यहां पे इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, ये हमने स्टाप पे लगा दिया, स्टाप करेंगे, हम चाहे तो वार्निंग भी दे सकते हैं लेकिन हम स्टाप लगाएंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ओके कर देंगे ठीक, यहां पे लग गया। चलिए हम देखते हैं, हम यहां पे 4 अंक लिख रहे हैं, नहीं ले रहा है, रिट्राई कर रहे हैं। अब यहां पे हम चलिए मोबाइल नंबर लिखते हैं, इंटर करते हैं, अब ये ले रहा है ठीक। लेकिन हम जानबूझ के इसमें एकात 2 अंक बढ़ा दे रहे हैं और इंटर कर रहे हैं, तो ये क्या बता रहा है, इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। यहां पे हमने मोबाइल नंबर का वो बनाया था टाइटल और यहां पे इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर लिखा था, वो मैसेज यहां पे आ गया है। तो यहां पे रिट्राई करना है, कैंसिल करना है, तो आप रिट्राई भी कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हो। इस तरह से जो है आपको यहां पे डेटा वैलिडेशन मिल जाता है, साथ समझ में आ गया होगा। इसी तरह यहां पे आप आधार नंबर के लिए आप इसी तरह बना सकते हो, जिसमें आप 12 डिजिट कर सकते हो। DOB ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, जैसे आप चाहते हो कि हम डेट दें कि इससे और इसके बीच में ही डेट इंटर हो ठीक, तो आप यहां पे डेट वाला भी आप लगा सकते हो ठीक।
क्या करना है आपको, रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। अब हम चलेंगे डेटा वैलिडेशन में, यहां पे हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम यहां पे ले लेंगे डेट का, लेंगे टाइम का भी हम डेट का ले लेते हैं। अब डेट बिटवीन, डेट बिटवीन मतलब इससे और इसके बीच में डेट होना चाहिए। जैसे कभी कभी फार्म वगैरह में रहता है, ठीक है, एक मिनिमम एज लगा देते हैं, मैक्सिमम एज लगा देते हैं, तो उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम स्टार्ट डेट यहां पे लेते हैं और स्टार्ट डेट में हम लिख देते हैं कीबोर्ड से ही अपने, मान लो 01/01/2004, ये हमें हमने जो है मिनिमम लगा दिया है, यहां पे इक्वल लिख गया है, ये हमने स्टार्ट डेट कर दिया है, ठीक। और यहां पे हम 01/01/2010 कर दे रहे हैं, ठीक। मतलब अब जो डेट इंसर्ट होगा इसमें, ठीक है, जो भी हमने रेंज लिया है उसमें इसके और इसके बीच का ही डेट लेगा। तो हम यहां पे ओके कर देते हैं, हम इनपुट मैसेज या एरर अलर्ट जो है देना चाहे तो दे सकते हैं, हम ओके कर दे रहे हैं। अब यहां पे हम चलिए लिख रहे हैं 01/01/2002, एंटर कर रहे हैं तो ये नहीं ले रहा, ठीक। रिट्राई करते हैं, हम 2000 को क्या कर देते हैं, 2007 कर देते हैं, ठीक। एंटर कर रहे हैं, ले रहा है। हम यहां पे 05/08/2006 करना चाहते हैं, ठीक, हम एंटर करेंगे तो ले लेगा। समझ में आया कि नहीं आया, जो डेट हमने दिया है क्राइटेरिया में उसके बीच का कोई भी डेट हो, कोई भी मंथ हो, कोई भी सन हो, तो वो ले लेगा, लेकिन ना उसके पहले वाला लेगा ना ही उसके बाद वाला लेगा। तो शायद डेटा वैलिडेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद है कंसोलिडेट, क्या है कंसोलिडेट। तो कंसोलिडेट आपको कैल्क में भी बताया गया था, जहां पे हमने क्या किया था, अलग अलग जो है डेटा को अलग इकट्ठा जो हमने टोटल करके दिखाया था। जैसे हम चलते हैं शीट वन पे, और शीट वन पे हमने कंसोलिडेट के नाम से एक बनाया है। यहां पे साबुन जो है शॉप है 65 क्वांटिटी है, बिस्किट 55 है, नमकीन है, ऐसे करके है। हम दूसरे शीट पे जाए तो यहां भी अलग अलग मात्रा दिया गया है, अलग अलग वैल्यू है। यहां पे जाते हैं तो यहां भी है। हम इस तीनों का जो है चाहते हैं चौथी नंबर सीट पर इकट्ठा टोटल आ जाए, चौथी सीट पे हम चाहते हैं इकट्ठा टोटल आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो है यहां पे हम पहले सीट पे चलते हैं। अच्छा, टोटल हमको कहां निकालना है, हमको निकालना है चार नंबर सीट पे ना, तो हम यहां पे प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक। अब चलेंगे कंसोलिडेट पे, कंसोलिडेट पे जाने के बाद यहां पे डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस में हम क्या करेंगे, इसमें क्लिक करने के बाद हम जाएंगे शीट नंबर वन पे, और शीट नंबर वन पे जाने के बाद हम इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, आपको दूसरी सीट पे चले जाना है, और दूसरी सीट वैसे सेलेक्ट है ऑलरेडी, तो यहां पे गए और यहां भी हमने इसको क्या कर लिया, ऐड कर लिया, ठीक। यहां पे देखिए सीट वन का जो भी रेंज है A5 से B9 तक, ठीक, सीट टू का A5 से B9। इसी तरह हम तीसरी सीट पे चलते हैं और यहां भी वैसे रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट ही है, लेकिन हम फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां पे ऐड कर देते हैं। तो कितनी सीट सेलेक्ट हो गई, तीन सीट का जो हमारा डेटा सेलेक्ट है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चौथी सीट पे चलेंगे, चौथी सीट पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक, और यहां पे टॉप रो और लेफ्ट कॉलम ये सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। आप यहां पे देखें चौथी सीट पे टोटल आ गए, आया कि नहीं आया, तीनों सीट का मिला के जो भी टोटल था यहां पे आ गया है, क्योंकि वहां पे ऊपर फार्मूला में हमने सम यूज किया था। अच्छा, अब जो है अगर हम मान लीजिए यहां किसी सीट में चेंज करते हैं, यहां पे 65 है, ठीक, यहां पे 25 है, तो 25 को चलिए हम कर देते हैं 30, तो यहां पे हम 30 कर देंगे, तो चौथी सीट पे देखेंगे तो यहां पे 100 से 105 हो गया, 100 से क्या हो गया 105 हो गया। इसी तरह अगर हम फिर से किसी सीट में चलिए चेंज करें, यहां पे 65 से इसको 70 कर दे, और यहां पे पुनः देखेंगे चौथी सीट में तो 105 से 110 हो गया। तो इस तरह से लिंक भी है सीट हमारी तीनों, ठीक है, और जो भी चेंज करेंगे वो यहां पे हमको दिखाई देगा, शायद समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं आया। तो तीन अलग अलग सीट के डेटा को हमने एक अलग सीट पे जो है क्या किया है, कंसोलिडेट किया है, मतलब इकट्ठा किया है। अब इसके बाद
हम चाहें तो एक ही सीट में कर सकते हैं सब। इसके लिए क्या करना है, देखो ये तो हम इस तरह से कैल्क में बताए थे, हमने हमें क्या करना है, हमको यहां पे लेना है, तो हम चलेंगे कंसोलिडेट में, और कंसोलिडेट में पहले से ही सिलेक्ट है यहां पे, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पे रेफरेंस वाले में क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको ऐड कर देंगे। ठीक, चलेंगे दूसरे में, इसको हमने सिलेक्ट किया, यहां पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, यहां पे चलते हैं और इसको भी ऐड कर देते हैं, यहां पे चलते हैं इसको भी ऐड कर देते हैं, और यहां पे चलते हैं इसको भी ऐड कर देते हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको यहां पे कुछ करना नहीं है, बस हमको ओके करना है, और हम देखेंगे कि यहां पे इन सब का टोटल यहां पे आ गया है। समझ आया कि नहीं है? तो इस तरह से आप जो है कंसोलिडेट का यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट, डेटा वैलिडेशन में जो है, डेटा वैलिडेशन क्या है, सर्किल इनवैलिड डेटा या क्लियर वैलिडेशन सर्किल, कंसोलिडेट के बारे में विस्तार से बताया है। ठीक, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। अब इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में बहुत ही विस्तार से बताएंगे, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है, इसके बारे में बहुत ही विस्तार से हमको बताना है, तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।